खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर को एक बार मेज़बानी का मौका मिल चुका है, लेकिन एक और बड़ी तैयारी है खेलो इंडिया जो ख़वातीन की जूडो चैम्पियनशिप है उसके लिए भी तैयारियां कर ली गई हैं। और ये मरकज़ी सरकार जो है वजारत खेल है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, और इसके अलावा जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका जो कश्मीर विंग है वो पूरी तरीके से तैयारियाँ कर चुका है। और तीसरा एडिशन खेलो इंडिया नॉर्थ जोन विमेंस जूडो लीग और रैंकिंग टूर्नामेंट जो है वो जनवरी 2024 में होने जा रहा है। इस साल अगरचे इवेंट की मेज़बानी का मौका नहीं मिला, लेकिन पिछले साल आपको याद होगा विंटर ओलंपिक्स के लिए, विंटर स्पोर्ट्स के लिए गुलमर्ग को एक बार मुंतखब किया जा चुका है। इसके लिए कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ की तरफ से, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री की तरफ से, और इन सब के बीच में खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर मज़ीद इकदाम उठाए जा रहे हैं। और ये उन तमाम ख़वातीन के लिए जो जूडो कराटे जिसमें आप नॉर्थ कश्मीर से सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन अब तक मुल्की सतह पर देखी है। कई ऐसी बच्चियाँ हैं जो मेडल्स चाइना से लेकर, नॉर्थ कोरिया से लेकर आई हैं, और उसके बाद जम्मू कश्मीर के आकर भी अंदर भी उन्होंने सर्विसेज दी हैं। तो उन बच्चियों के लिए एक अच्छा मौका है। 18 जनवरी से इस इवेंट का आगाज होने जा रहा है। मेज़बानी इस बार श्रीनगर को मिल रही है। कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले खिलाड़ियों के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म। और इतना ही नहीं, 21 जनवरी को जाकर जो है वो शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर के अंदर ये इवेंट जो है खेलो इंडिया के तहत या खेलो इंडिया बैनर के तले जो होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की और फेडरेशन ऑफ जी और जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया कश्मीर के इशराक से ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है। अब सबसे खास बात यह है कि इसमें न सिर्फ जूनियर्स बल्कि जो जूनियर और सीनियर दोनों एक साथ खिलाड़ी आपको, यानी दोनों कैडेट्स में, अब दो मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, या तो जूनियर्स के लिए होता है या सीनियर्स के लिए, यहाँ पर 500 से ज़्यादा भी जा सकती हैं, 500 के आसपास भी बच्चियाँ पहुँच सकती हैं। और पहला ऐसा मौका होगा कि जूनियर और सीनियर्स के लिए जो इस कैडेट में, आज से बाज़ाबता तौर पर इसका आगाज होना, जी आज की कॉफ होना है 18 जनवरी को, ये 2024 को ये किक ऑफ होगा मैंने नए साल में, और उसके साथ 21 तारीख को ये इख्तिताम पजीर होगा जी शेर कश्मीर स्टेडियम के अंदर। और इस तरीके से तकरीबन 500 के करीब बेटियां हैं पूरे मुल्क से जो नॉर्थ के अंदर हैं वो खेलेंगी, और इस सिलसिले में गोल्ड ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल के लिए कुछ पैसे भी दिए जाएंगे और कुछ रुकूमात भी दी जाएंगी। उस सिलसिले में ऐलान पहले ही कर दिया गया। और इस तरीके से खेलो इंडिया, तीसरा खेलो इंडिया जो है वो जूडो टूर्नामेंट श्रीनगर के अंदर होगा जनवरी 18 सन 2024 को इसका आगाज़ होगा, और इसी तरीके से 21 तारीख को इख्तिताम पजीर भी होगा। तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल स्पोर्ट्स काउंसिल और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से